दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो। ए क्या बात है जानवर, आज बड़े मूड में हो, रात में मेरे सपने देखे थे क्या? हॉरर फिल्म के बिल्ली ने काटा है क्या? तो तुम्हारे सपने देखूं? कल रात मेरे सपने में वो आई। कौन? देखा? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मालूम है, मुझे जलाने के लिए तुम उसी का नाम लोगे। पर रेखा के भी कोई इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो तुम्हारे सपने में आए। आखिरकार वो एक सुपरस्टार की फ्लॉप लव स्टोरी है जंदे, ये मुंह और मसूर की दाल। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है आज सुबह सुबह ये अमर, अकबर और एंथनी कहाँ जा रहे हैं? जमाने को दिखाने। क्या? कि हम किसी से कम नहीं। तुम्हें कम समझने वाला कम अकल का गधा होगा। डैडी, अपने आप को गाली नहीं देते। क्या मतलब? डैड, जानबूझकर अनजान नहीं बनने का। अपुन लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसमें टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट देने की क्या जरूरत है? इतना मुंह खोलकर मत हंसो, मक्खी लात मारेगी। और हमें ये मुसीबत आपके वजह से झेलनी पड़ रही है। आपकी लालची नेचर के वजह से हमें खेलने कूदने के उम्र में नौकरी ढूंढने जाने पड़े। बताओ। अरे नौकरी ढूंढने जा रहे तो ये तेवर, अगर नौकरी मिल गई तो क्या करोगे? ये बेकारी के शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अच्छा? चल मीनाक्षी। और हम अगर आपको नौकरी ढूंढ कर दिखाए तो? घर के बाहर निकल कर देखो, पता चलेगा दाल आटे का भाव। अच्छा? तो वो हम लोग को इंटरव्यू में दाल आटे का भाव पूछेंगे। भाव पूछेंगे, बाद में खरीदेंगे और खाना भी खिलाएंगे। चलो भाई लोग चलो। क्या हुआ? मुझे पता था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे उनके साथ ऐसा होता तो मैं मरती नहीं, यमदूत को टाइम प्लीज कहती। आप यहाँ मिली वो एक ठीक है, ऊपर मत। मुझे ही समझ में नहीं आता कि तुम जैसे खूबसूरत लड़की को इस मर्दों के अखाड़े में अप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी है। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आज औरत हर क्षेत्र में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। हाँ, आजकल मर्द नाटे और औरतें लंबी पैदा होने लगी। शायद आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती? बुरा मत मानिए, पर हमारे यहाँ औरतें सुपरवाइजर नहीं बन सकती। क्या हुआ? कुछ नहीं, जिस जगह औरतों की इज्जत नहीं होती उस जगह पर मैं थूकना भी पाप समझती हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए मिस्टर पहलवान, कि आपको जन्म देने वाली माँ भी एक औरत थी और उसी का दूध पीकर आप अपनी चौड़ी छाती का एग्जीबिशन कम फेल कर रहे हैं। और जिस जबान से आप औरत को नीचा दिखा रहे हो ना, उसी जबान को पहला शब्द सिखाने वाली भी एक औरत थी। अरे अरे रुकिए, आप तो बुरा मान गई। आइए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तो आपका एग्जाम दे रहा था। यहाँ आने वाले नमूने से तुम निपट सकोगी या नहीं? तो क्या लगा आपको? यही, तुम मुझसे निपट ही नहीं सकोगी, जरूरत पड़ने पर तुम इन्हें सीधा भी कर सकोगी। Really, sir? कब से जॉइन कर रही हो? सर जब से आप कहें। कल से आ जाओ। Oh, sure, sir. Sir, thank you very much. अच्छा, तो आप यहाँ काम करना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, आप औरतों की समस्या के बारे में क्या क्या जानती हैं? औरतों का दूसरा नाम ही समस्या है। जब औरतें पैदा होती है तो समस्या रिलीज होती है, जब औरतें मर जाती है तो समस्या खत्म हो जाती है। मरने के बाद की समस्या खत्म नहीं होती। आप हिंदी फिल्में देखती हैं? कभी कभी। तो आपने नोटिस किया होगा अक्सर भटकती हुई आत्मा औरतें ही होती है। इस समस्या की वजह क्या है? मर्द, मर्द भगवान ने अच्छे मर्द बनाने ही बंद कर दिए ना। मैं कुछ समझी नहीं। आपकी शादी हुई है? नहीं, क्यों? इसीलिए। अब मेरी दूसरी मम्मी का एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा, वो अपने टाइम में कितनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी। पता है आधा उत्तर प्रदेश उन पर मरता था।
मगर उनको शादी करने पड़ी मेरे कार्टून डैडी के साथ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देयर आर नो गुड लुकिंग मेन ऑन अर्थ। इसका मतलब है अगर अच्छे मर्द बनना शुरू हो जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। एग्जैक्टली। अब सुनील शेट्टी की दीदी का एग्जांपल लीजिए। उसको क्या टेंशन है? घर की बुटीक, घर का होटल, जो चाहे खाए, जो चाहे पहने, मिस्चिफ ही मिस्चिफ। वैसे इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए? प्यार से। क्या? हाँ, प्यार दो, प्यार दो। वैसे भी हम औरतों के पास प्यार की कमी नहीं होती, बस उसे जिस पर लुटाया जाए वैसा लुटेरा नहीं मिलता। वाह 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 वाह, क्या आपकी ख्याल है। हाँ। सचमुच आप तो महिला जगत में क्रांति ला सकती हैं। हाँ, जब क्रांति बनी थी ना तब मैं बहुत छोटी थी, इसके लिए मनोज अंकल ने हेमा आंटी को साइन किया, नहीं तो वो मुझे साइन करते। सही बात है। लगता है ऊपर वाले ने आपको महिलाओं के उद्धार के लिए ही यहाँ भेजा है। ऐसा ही कुछ लगता है। बोलिए मैं कब से आऊँ बुलाओं का? व्हाट? अबलाव का उद्धार करने? जब आपका जी चाहे। वैसे आपकी संस्था की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है? पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, हमारी संस्था को डोनेशन देने के लिए दाता हमेशा तैयार रहते हैं। ऑफ कोर्स, आप जैसी कवारी संचालिका हो तो डोनर्स की तो लाइन ही लगेगी ना। वैसे मैंने आपसे पैसे की इसके लिए बात की थी कि एंड ऑफ द मंथ में मुझे पैसे के लिए तू तू मैं नहीं चाहिए। आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप दिल लगाकर काम कीजिए। Don't you worry. दिल लगाने के मामले में तो दिल का डॉक्टर भी मेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता। What? कामचंद्र कहे। कब शुरू होगा ये इंटरव्यू? इतना लंबा लाइन, लगता है यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, कुछ तिकड़म चलाना ही पड़ेगा। क्या बाप नरोत्तम? अरे नरोत्तम नहीं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम। अरे यार, नरोत्तम हो या पुरुषोत्तम, नाम तो उत्तम है। पता तुम्हें कमाएगा। मैं जो भी बोलूं उसमें हाँ हाँ करना। हाँ बोलने का 50 रुपया और ना बोलने का? बाहर चल, तेरी तंगड़ी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। हाँ हाँ बोला शुरू कर रहे, समझा? चल। क्या बात है पुरुषोत्तम, आज फिर से चिकने चिकने चेहरे लाइन में बैठे, लगता है फिर से न्यूज रीडर का इंटरव्यू होगा। हाँ। ये साला तेरा बूढ़ा बॉस लड़कियों को महीने में 4 बार इस बहाने बुलाता है। क्या? नहीं, हाँ बोल। हाँ। लगता है वो एक दिन बहुत मार खाएगा, लड़कियों को इंटरव्यू के बहाने बुलाता है। और आप लोग समझ गई ना बहने, लेकिन क्या करें, इस देश में गरीबी और बेकारी इतनी बढ़ गई है कि पेट की आपके सामने इज्जत क्या चीज है। बिल्कुल नहीं, इस शहर में नौकरी की कोई कमी नहीं। चलो बहनों, ऐसे दरिंदे के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे 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 सुनो तो, ये क्या किया आपने? इसे रास्ते की सफाई कहते हैं। समझ गया, लाओ मेरे 50 रुपए। साला अपुन के पास रिश्वत मांगता है, रिश्वत देना और लेना दोनों पाप है, और अपुन पाप नहीं करता। जा, तेरे बॉस को जाकर बोल कि न्यूज़ रीडर के लिए एक ही लायक उम्मीदवार है जो आ गया है। हाँ तो मैडम। बोलो बाप। कमाल है, हमारे चैनल के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कोई समाचार पढ़ने को तैयार नहीं। मैंने 20 कॉल लेटर भेजे थे, उसमें से आई है तो एक लड़की, वो भी लड़की कम लड़का ज्यादा नजर आ रही है। ओ साहब, अपुन अपना थोबड़ा दिखाने नहीं है, घूर घूर के नहीं देखने का, पूछो जो पूछना है, अपुन इंटरव्यू देने आया है। तो इस तरह हिंदी भाषा में बात करोगे क्या? अरे यार, अपुन को बोरिवली से लेकर बनारस तक की भाषा आती है, लेकिन आजकल के लोगों को यही भाषा समझ में आती है, और जो भाषा लोगों को समझ में आती है वही बोलनी चाहिए। लखनऊ में तमिलनाडु का ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता, और तमिलनाडु में लखनऊ के मुजरे नहीं होते। आई बात समझ में? कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे अंदर। और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। अपने गौरी के हस्बैंड की बात ले लो। ये कौन है? अपना शाहरुख यार।
वो शाहरुख खान हीरो कॉन्फिडेंस की वजह से वो दिल्ली का लड़का आज बम्बई में 50 लाख रुपया डिमांड कर रहा है, वरना अब तक दिल्ली में घासलेट बेचता होता। बिल्कुल सही कह। तो बोलो कब से आना है मजदूरी करने? हाँ अब और कोई तो आया नहीं, तुम्हें रखना ही पड़ेगा, मगर हमारी एक शर्त है, पहले 1 महीना हम तुम्हारा ट्रायल लेंगे और उसके बाद तुम्हें परमानेंट। अपुन भी 1 महीना तुम लोग का ट्रायल लेगा, अगर अपुन को जमा तो अपुन काम करेगा, वरना सबको जय राम जी की बोलकर चला जाएगा। चलता है साहब। तुम्हारी लड़की? अरे मेरे 50 रुपए। क्या नाम है तुम्हारा? पुरुषोत्तम। हाँ कहाँ रहते हो? डोंबिवली में। रम्या को जानते हो? और रम्या को कौन नहीं जानता है, रम्या तो अपने इलाके का सबसे बड़ा भाई है। वो तुम्हारे सबसे बड़े भाई के साथ अपना खाने पीने का व्यवहार है, इसलिए मुंह बंद रखना, समझा? तू कब से? संतोषी माँ की 16 शुक्रवार की कहानी पढ़ रही हूँ। 16 शुक्रवार? इसे कहो किताब में आंखें नहीं फोड़े और वीडियो पर जय संतोषी माँ फिल्म देख डाले और तुम गुलशन नंदा के उपन्यास पढ़ना शुरू करो। क्यों? अरे भाई 1 घंटा हो गया मियाँ बीवी घर में अकेले हो, पर हराम बराबर प्यार की एक बात भी नहीं। अरे भाई प्यार करो, मीठी तकरार करो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये क्या 8 फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे की तरफ मुंह फेर के बैठे हुए हो? मैं तो क्या बंदर जैसी गुलाटी मारूं? तुम सीढ़ी दिखाओगी और मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तो इस कमरे में हमारे सिवाय तीसरा कौन है जिससे तुम बातें कर रहे हो? तीसरा कौन की बात मत करना, तीसरा कौन एक फ्लॉप फिल्म थी। नहीं कुछ नहीं। ए, ऐसा क्या कहते हो? मैंने बहुत दिनों से बूढ़े बूढ़ी का रोमांस नहीं देखा। ए, बार बार तू मुझे बूढ़ा क्यों कहती है? मैंने क्या बोला? अगर मैं तुम्हें बूढ़ा कहूंगी तो लोग मुझे बुढ़िया कहेंगे। तुम्हें बूढ़ी कहा उसने? किसने बुढ़िया कहा मुझे? मैं उसका खून पी जाऊंगी। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, खून पीने की उसकी मोनोपोली है। उसकी मोनोपोली कैसे बताऊं? अंदर चल, अंदर जाके बातें करते हैं। ए, ऐसा क्या करते हो तुम? चीटिंग करते हो? मैंने ही तुम्हें रोमांस करने का आइडिया दिया और मेरे से ही पर्दा करते हो। चलिए अंदर चलिए। हाँ चलिए। नहीं यहीं ठहरो। अरे बाबा अंदर चलो ना। नहीं। थैंक गॉड, जान छूट गई। ये गाना लिखने वाला जो भी था उसके अलावा ये गाना गाने वाला कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हम हो गए हैं। अरे मतलब तुम्हें नौकरी मिल गई? अरे यार हम हाथ फैलाए तो उसकी खुदाई भी दूर नहीं, लेकिन हम मांगे और वो दे ये हमें मंजूर नहीं। नौकरी मिली नहीं गई बल्कि चांदी के प्लेट में आई है, समझे? समझे? चांदी के प्लेट में लाने वाला कोई स्मगलर था क्या? नहीं, मैं कीप फिट जिम्नेशियम में सुपरवाइजर हूँ। कहाँ? और सलाहकार? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? लगता है राधिका की सुनने की मशीन उधार लेनी पड़ेगी। और मैं टीवी में न्यूज रीडर। लास्ट बॉल पे मियादाद ने छक्का मारा था तब चेतन शर्मा की हुई थी ना, वैसी हालत हो गई है बेचारे की। मीनाक्षी तुम लोगों को कब से ज्वाइन करना है? कल से। और डैडी आप सुबह जल्दी उठना। क्यों? क्योंकि आप आधा घंटा बाथरूम में साइकिल के गाने गाते हैं, पौना घंटा बीना के नाम की रट लगाते, ये सब नहीं चलेगा, समझे? सुबह हम लोग को भी तैयार होने का है। यस मॉम। और आप जल्दी खाना लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी सोना है ताकि सुबह उठ के फ्रेश माइंड से मैं अपनी प्यारी दुखी बहनों को सलाह दे सकूं।
लिया? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। इतना महंगा ड्रेस बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया? जरूर वो कोई अमीर कबूतर होगा। बहुत अमीर है। अच्छा, उसका कोई भाई है? नहीं, वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। ओह नो, ये अमीर लोग दूसरे बच्चे के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, आलसी कहीं के। कुछ नहीं, मैं जरा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। वैसे आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अमीर है। तो अमीर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, अब समझी, वो गुड लुकिंग नहीं होगा। शादी के मामले में लड़के की शक्ल नहीं, उसका बैंक बैलेंस देखते हैं। पर वो देखने में भी सुंदर है। देखने में भी सुंदर है, फिर क्या प्रॉब्लम है? शादीशुदा है। सेकंड हैंड है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से शादी के मामले में दोनों में से एक को एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। कम प्रॉब्लम होती है। वो तो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता और मुझे भी रखना चाहता है। अभी तुम ही बताओ, एक मैन में दो तलवार रह सकती है? तलवारों का जमाना गया, तो औरतें ऑटोमेटिक गन हो गई हैं, जो दोनों पॉकेट में समा सकती है। तुम्हें कोई इतराज है तो कैन यू इंट्रोड्यूस टू मी? क्या? नहीं नहीं, मैं तो समझाऊंगी कि तुमसे शादी कर ले। उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप इस शादी के खिलाफ है। उसका क्या करेंगे? माँ बाप तो होते हैं खिलाफत करने के लिए। बाहर में गए माँ बाप। फर्स्ट ट्रेन पकड़ो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ। माँ बाप नाराज रहेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वीटी जी, तुमने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। अपने जैसा मेरे लिए भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। प्रॉमिस। चलो मैं भागती हूँ, बाय। हाँ हाँ, भागो। पता है किसी किसी की किस्मत में होता है भागना। यहाँ तो कब से भागना चाहते हैं, मगर कोई भगाने वाला मिलता ही नहीं। स्वीटी। हाँ। शिल्पा गई? हाँ। क्या कहा आपने उसे? मैंने उसे सलाह दी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ। क्या? ये आपने क्या किया? क्यों? वो हमारे ट्रस्टी की बेटी है। क्या दिन आ गए, मर्दों के जिम्मे औरतें नौकरी करने लगी। अगर ऐसा हो चला तो वो दिन दूर नहीं कि मर्द अकेला सड़क पे चल नहीं सकेगा। शट अप। हेलो, जरा इसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसमें मेरी जान है, माय गर्लफ्रेंड यू नो, और ये दिल, इसे तो बहुत ही संभाल के रखना, क्योंकि जब किसी खूबसूरत लड़की के हाथ में जाता है तो ये उछलने लगता है। आपका दिल आप ही की तरह आवारा लगता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब कोई लड़की मुझे गाली देती है, मुझे उस पे बहुत प्यार आता है। हाय विकी। ओ हाय हाय, कल दिखे नहीं, कहाँ थे कल? अरे बहुत दिनों से एक पंछी के पर काटने की तलाश में था, बस कल मौका मिल गया। हाय क्या चीज थी, यूं समझ चीज सैंडविच थी। पर तू आदमी है या सैंडविच वाला, कितनी लड़कियां पटाता है। अपना तो जान बनाने का मतलब ही है, बाकी मुझे कौन सा ओलंपिक में जाके मेडल जीतना है यार। पर तेरी एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड से कंप्लेंट नहीं करती? सीधी बात है यार, मेरे पास 15 जोड़ी जूते हैं और 12 गर्लफ्रेंड, ठीक है? अगर लेदर के जूते पहनता हूँ तो स्पोर्ट्स शूज को क्यों खराब लगने लगा? तुम लड़कियों को जूतों के साथ कंपेयर करते हो? मैं नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि औरत पैर की जूती होती है। ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, वरना 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 क्या कर लोगी? ऑल द बेस्ट। जरा जमकर है, ये तुम्हारा पहला रीडिंग है, घबराना बिल्कुल नहीं। अरे भाई, लोगों ने घबराना सीखा ही नहीं है, आप फिक्र मत करो। अपुन ऐसा समाचार पड़ेगा कि बीबीसी वालों से लेकर सीएनएन वालों तक की सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। हे भगवान, मेरी खटिया की रक्षा करना। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आओ, कुछ गिर गया क्या नीचे? क्या हुआ, कैसा गया नौकरी का पहला दिन? हमारी नौकरी छूट गई। वो तो तुम्हारे चेहरे से पता चला ही मुझे, ये तुम्हारी बात हो गई। जिन्होंने तुम्हें काम पे रखा उनका क्या हुआ, ठीक है ना? वो पता है दादी, महिला शाला केंद्र बंद हो गया और जिम्नेशियम रण मैदान बन गया। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रण समाचार सुन रहा हूँ इनका। काजल के समाचार आने वाले हैं। अरे हाँ, देखो एक काम करते, पहले काजल के समाचार सुनते, बाद में तुम्हारे समाचार इन डिटेल सुनते। आगा। आगा। आगा।
नमस्कार। कश्मीर में हुए बॉम्ब विस्फोट में 15 लोग मर गए। पंजाब में गिरफ्तारियों का दौर शुरू। क्या बाप, लगता है ये लोग न्यूज का जेरोक्स कॉपी बनाकर रखते होंगे। हर रोज एक ही न्यूज आती है। ये क्या बोल रही है? अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कश्मीर में क्या होता है इसे बंबई वालों को क्या लेना देना? अपुन आपको कांदीवली से लेकर कोलाबा तक का न्यूज सुनाता है। सुनो, कल अपने आमिर भाई की नई फिल्म रिलीज हुई, उसके ब्लैक के चक्कर में यू के लीरो सिनेमा के पास भाई लोगों के बीच राड़ा हो गया। चालू हो गई इसकी नुक्कड़ पर की गुलबाजी चालू हो गई। समाचार देखो ना, मेरी बेटी काजल कितनी खूबसूरत लग रही है ना टीवी में। वो राड़े में बाबू बत्रे ने दिलीप पटना को कश्मीर की तरह काट डाला। पुलिस ने भरपेट माल खाया और बाबू बत्रा बट के साथ अंडरग्राउंड हो गया। इसको नौकरी पर रखने वाला अंडरग्राउंड हो जाएगा। आगे की खबर सुनो। अरे चुप करो चुप करो। तुमको चुप करने का बोलता है तोड़ डालूंगा। अरे इसके नौकरी के रुकआउट के लिए हमें भी खेद है। नौकरी गई।